महाराष्ट्र में सियासी उठक पटक जारी है, वहीं शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा होगा। लेकिन वहीं शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसको आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से संबोधित किया और आदित्य ठाकरे के निशाने पर एक बार फिर से बागी विधायक रहे। बैठक के दौरान आदित्य ठाकरे ने विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की भी अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, परसों तक जो मेरी गाड़ी में बैठते थे और उनके हाथ कांपा करते थे, आज वह भी उधर चले गए। मतलब आदित्य ठाकरे के द्वारा बोला गया कि परसों तक जो विधायक और मंत्री मेरे गाड़ी में बैठते थे उनका हाथ कांपता था मेरे सामने, आज वो विधायक और मंत्री भी हमें छोड़कर दूसरी पार्टी, वो जो है एकनाथ शिंदे के साथ में चले गए। आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों पर कहा कि गुवाहाटी में 15 से 16 विधायक काफी तकलीफ में है और उन्हें जो है किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की असली ताकत शिवसैनिक है, लेकिन यहाँ पर ये जो 15 से 16 विधायक गए हैं, इनको जबरदस्ती गुवाहाटी में कैद किया गया है। ये स्टेटमेंट आदित्य ठाकरे के द्वारा बोला गया है कि उनको किडनैप किया गया है। आदित्य ठाकरे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अब बागी विधायकों को लगता है कि उनका अपहरण कर लिया गया है, वो वहां पर कैदी हैं। इन लोगों में हिम्मत होनी चाहिए और आकर आमने सामने बात करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बगावत करने की हिम्मत नहीं थी, वह बगावत करने के लिए सूरत गए। प्रत्येक विधायक जिसने विद्रोह किया उसके पास दो विकल्प है, एक तो भाजपा में शामिल हो जाएं या प्रहार में शामिल हों। मैं वो शिवसेना या धनुष के तीर के प्रतीक के योग नहीं है। तो इस तरह का वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो जो है शिवसेना के नाम पे ही अपनी पार्टी बनाएंगे, तो वो इसके योग ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बागी विधायक हैं जिन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। मैदा भाई, आपका क्या ओपिनियन है आदित्य ठाकरे के द्वारा दिए गए इस स्टेटमेंट पर कि आदित्य ठाकरे के सामने जो विधायक और मंत्री कल तक गाड़ी में बैठकर कांपते थे, आज उन्होंने धोखा दे दिया उन्हें? इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।